बहुत ध्यान से ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो चैप्टर है इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से। कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब मास स्केल पे मशीन्स के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो पीरियड था तब भी क्या होता था, मास स्केल पे गुड्स प्रोड्यूस होते थे, यानी कि जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी तब भी गुड्स क्या होते थे, प्रोड्यूस होते थे। और तब जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी होते थे, लेकिन उस टाइम पे फैक्ट्रीज और मशीन्स का कंसेप्ट नहीं आया था। क्लियर है कहानी नंबर वन। कहानी नंबर टू, तो जब ये नहीं हुआ था तो फिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था और क्यों हुआ था? तो हम लोगों ने बोला कि जैसे जैसे क्या हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपांड कर रहा था, तो कुछ मर्चेंट्स थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, पर वो क्या नहीं कर रहे थे, सिटीज और टाउन्स में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे। वो सिटीज और टाउन्स में अपना बिजनेस इसलिए एस्टैब्लिश नहीं कर पाते थे क्योंकि सिटीज और टाउन्स में कौन होते थे, गिल्ड्स होते थे, है ना। गिल्ड्स क्या होते हैं इसके बाद हम लोग एक मिनट बात करेंगे, बट उसके पहले बात करेंगे कि ये लोग क्या करते थे। ये लोग क्या करते थे कि अपना बहुत सारा रॉ मटेरियल लेते थे, वो रूरल एरिया में देकर आते थे। रूरल एरिया में एक वीवर को बोलते थे, इस रॉ मटेरियल के तुम्हें क्या करने हैं, फिनिश गुड्स बनाने हैं। फिर ये क्या करते थे, इनसे फिनिश गुड्स लेकर सीधे क्या करते थे, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर देते थे। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहाँ पर इनका जो टारगेट होता था वो कभी डोमेस्टिक मार्केट होता ही नहीं था। ये जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते थे ये स्ट्रेट अवे कहाँ चले जाते थे, रूरल एरियाज में प्रोड्यूस होते थे और पोर्ट्स के थ्रू सीधे एक्सपोर्ट हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, अगर ये लोग ऐसा करते थे तो ये डोमेस्टिक मार्केट या फिर सिटीज में अपना बिजनेस क्यों नहीं करते थे? तो इसका जवाब भी कि सिटीज में गिल्ड्स जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। मुद्दा गिल्ड्स क्या होते हैं, तो हमने क्या, गिल्ड्स जो होते थे ये एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर होती थी। क्या होती थी? एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर। ये क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन को ट्रेड करते थे, प्रोडक्शन कंट्रोल करते थे, कंपटीशन रेगुलेट करते थे और किसी भी नए मर्चेंट को मार्केट में नहीं आने देते थे। यानी कि अगर मैं, हम बोल रहे हैं कि ये कंपटीशन रेगुलेट करते थे, इसका मतलब क्या, ये सस्ते से सस्ता ही बेच देंगे, पर अगर कोई नया एंट्रेंट आया है मार्केट में तो उसको मार्केट से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। आई बात समझ में? और जो गिल्ड्स थे इनको रूलर्स ने क्या दे के रखे थे, मोनोपोली राइट्स दे के रखे थे। इसलिए जो नए मर्चेंट्स थे वो कभी भी कहाँ काम नहीं कर सकते थे, सिटीज में काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो रूरल साइड पे गए काम करने। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो पहले हमने देखा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, फिर हमने देखा क्या कि गिल्ड्स क्या होते हैं। अब हमने कहा जब ये रूरल एरिया में जाके बंदों से काम करवाते थे तो द क्वेश्चन अराइजेस, बंदे इनके लिए काम करने के लिए रेडी क्यों हो गए? तो हमने कहा वो रूरल पीजेंस इनके लिए काम करने के लिए इसलिए रेडी हो गए क्योंकि पहले इनके पास ओपन फील्ड्स होती थी। अब ओपन फील्ड्स क्या होने लग गई, इनक्लोज होने लग गई, यानी कि बंद होने लग गई, यानी कि ये अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास जाने लग गई। ऐसे में जो गरीब पीजेंस थे उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड नहीं थे, और क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड नहीं थे तो इनकी इनकम भी क्या थी, बहुत कम थी। तो इन्हें लगा क्या कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इन इंडस्ट्रियलिस्ट या इन मर्चेंट्स के लिए काम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग हमारे रूरल एरिया में ही रहेंगे, हमारा रेगुलर कल्टीवेशन का काम भी चलता रहेगा, वो भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, और साथ में ये सेकेंड काम भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमें अर्बन एरिया में काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ घर बैठे बैठे काम आ रहा है। थर्ड, इनको लगा कि इस तरीके से इनका फैमिली लेबर ज्यादा बेटर तरीके से क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और ये जो होगी इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन इनकी एडिशनल इनकम की तरह इनको सप्लीमेंट करेंगे। आया क्या समझ में? सारे दिन एक जैसे रहते नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या आने लग गई, इंडस्ट्रीज आने लग गई, इंडस्ट्रीज आने लग गई यानी कि फैक्ट्री स्टार्टेड कमिंग अप, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था यानी कि मार्केट में कुछ कुछ ऐसे इनोवेशन आए थे जिसमें क्या हो रहा था, अब आप लार्ज स्केल पे गुड्स क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत फास्ट नहीं आया था, धीरे धीरे आया था। किसकी वजह से आया था? सबसे पहले एक्सपांशन ऑफ रेलवे की वजह से आया था। एक्सपांशन ऑफ रेलवे की वजह से आयरन और स्टील की डिमांड क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन ये जो नई इंडस्ट्रीज आई थी, सबसे डायनेमिक इंडस्ट्री कौन सी थी, कॉटन।
उसके बाद कौन सी? मेटल। लेकिन कॉटन और मेटल भी किसी भी दिन पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को क्या नहीं कर पाई? डिस्प्लेस नहीं कर पाई। आई बात समझ में? छोटी मोटी इनोवेशन होती रही जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोल्ट्री, पर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज इतना ड्रास्टिक नहीं था जितना जिससे क्या हो, पूरा जो ह्यूमन है उसको एलिमिनेट करके हम लोग क्या करें, सीधे मशीन्स पर आ जाए। सेकेंडली, मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव थी और उनका रिपेयर्स भी क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था। बहुत बार जो इसके इन्वेंटर्स होते थे कि यार ये इतनी भयंकर लेवल पे क्या है, इफेक्टिव है, उतनी इफेक्टिव वो मशीन होती भी नहीं थी। आ रही है बात समझ में? सो इट वॉज नॉट एज इफेक्टिव एज दे क्लेम। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनरी बहुत इजीली एक्सेप्ट क्यों नहीं करी थी, तो उसके क्या थे, रीजंस थे। पहला रीजन क्या था कि मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव होती थी। आ रही थी बात समझ में? ठीक है। सेकेंड, अगर ये ब्रेक डाउन आ जाता था, टूट जाती थी, खराब हो जाती थी, तो इसका रिपेयर और ज्यादा एक्सपेंसिव था। थर्ड, ये उतनी इफेक्टिव नहीं थी जितना इनके इन्वेंटर्स क्लेम करते थे। और फोर्थ, जो लेबर था वो बहुत ज्यादा अबंडली अवेलेबल था। तो क्योंकि बहुत सारा लेबर क्या होता था, बहुत सस्ते में काम करने को तैयार होता था, इसलिए भी लोग मशीन नहीं खरीदना चाहते थे। और पांचवी चीज, जो इनका वर्क का नेचर था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने आप में कैसे नेचर की थी, सीजनल नेचर की थी। और क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने आप में सीजनल नेचर की थी, इसलिए इनको साल भर लेबर लगता ही नहीं था। तो इनको लगता था लेबर हटा के हम लोग इकट्ठा खर्चा क्यों करें। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पर इस बात का प्रूफ है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज थी वो सीजनल नेचर की कैसे थी। तो बोला जो गैस वर्क्स और ब्रूवरीज थी वो हमेशा कहाँ चलती थी, ठंडे वाले सीजन में चलती थी। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स क्रिसमस के टाइम पे ही चलते थे, ठीक है ना। वाटर फ्रंट में भी विंटर बहुत डायनेमिक चीज होती थी, क्योंकि ये वो टाइम होता था जब शिप्स को रिपेयर किया जाता था और क्लीन किया जाता था। इसीलिए हैंड लेबर बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता था ओवर मशीनरी। आई बात समझ में? ठीक है। और क्योंकि हर चीज का नेचर कैसा था, वर्क सीजनल था, तो आपको साल भर मशीन की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। ठीक है। सीजन में तो क्या होता था, बिजी सीजन में ये जो विंटर वाला रहता था तब क्या होता था, बंदों को काम मिल जाता था। लेकिन जैसे ये सीजन खत्म होता था, उस टाइम बंदे वापस से क्या हो जाते थे, अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, अपने खेत में वापस यूज करने लग जाते थे, कल्टीवेशन करने लग जाते थे। फिर जब नया सीजन आता था, फिर अर्बन एरियाज में जाते थे। बहुत लोग और जॉब्स भी कर लेते थे। ठीक है। तो वर्कर्स की कंडीशन क्या थी, बहुत खराब थी। क्यों? बिकॉज लेबर बहुत ज्यादा था, डिमांड कम थी, तो इनकी वेजेस क्या थी, बहुत कम थी। ठीक है। वेजेस कुछ सालों में बढ़े भी, लेकिन तब तक चीजें इतनी महंगी हो गई थी कि जो इंक्रीज वेजेस थी उनसे वो बेयर मिनिमम पे ही सरवाइव कर पाते थे। अगर आपको जॉब चाहिए तो दो बातें चाहती थी जिससे आपकी इनकम डिपेंड करती थी। पहला, आपका वेज रेट कितना है, और दूसरा, कितने पीरियड तक एम्प्लॉयड हो। आ रही बात समझ में? और यही रीजन था, जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लग गई, तो जैसे विमेन था, तो उन्होंने क्या करा, स्पिनिंग जेनी को अटैक किया, क्योंकि उनको लगता अगर ये मशीन आ जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? बोलो, कोई परेशानी? इसके अलावा जो वर्कर्स थे उनको जो जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती थी वो डिपेंड करती थी कि उनकी सिटी में रिलेशंस कैसे हैं। तो उनको बहुत मंथ्स तक क्या करना पड़ता था, बिना जॉब के रहना पड़ता था। और जब ये बिना जॉब के रहते थे, तो कभी इनको नाइट शेल्टर्स में रहना पड़ता था, कभी उनको स्टेट जो जो वहाँ की गवर्नमेंट की कैजुअल वार्ड रहती थी वहां रहना पड़ता था। कुछ लोग नाइट्स ब्रिजेस वगैरह के अंदर स्पेंड करते थे। तो कुल मिला के वर्कर्स की हालत क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे तुम्हारी कहाँ की कहानी खत्म होती है, यूरोप की कहानी खत्म होती है। इंडिया का बिजनेस बहुत सही चल रहा था, कब तक, जब तक ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे। वी हैड अ फ्लरिशिंग टेक्सटाइल ट्रेड, हमारा स्पाइसेस का ट्रेड ही बहुत अच्छा चल रहा था। इंडिया का जो कॉटन होता था उससे मैचिंग बहुत अच्छा, उससे बेटर कॉटन, उससे फाइन वेराइटी कॉटन कहीं दुनिया में
मिलता ही नहीं था। हमारा जो सिल्क भी था वो भी इंटरनेशनल मार्केट को क्या करता था, बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और दूसरे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, तो उन्होंने हमारे यहाँ के रूलर से स्पेशल कंसेशन ले लिए और ट्रेडिंग राइट्स ले लिए। उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ के रूलर से स्पेशल कंसेशन ले लिए और ट्रेडिंग राइट्स ले लिए। आ रही है बात समझ में? तो जब उन्होंने मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड ले लिए, तो हमारे यहाँ का जो लोकल बिजनेस है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, बंद होने लग गया। यही रीजन है कि जो सूरत और हुगली थे, ये दो पोर्ट्स थे, यहाँ से क्या हो गया था, बिजनेस दिन पे दिन कम होता जा रहा था, क्योंकि पुराने पोर्ट थे जहां से इंडियंस ट्रेड करते थे। ब्रिटिशर्स ने कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, बॉम्बे और कालकाटा से। आ रही बात समझ में? तो बॉम्बे और कोलकाता के जो पोर्ट्स थे वो बहुत फ्लरिश हो रहे थे, और सूरत और हुगली के पोर्ट्स बहुत डिक्लाइन हो रहे थे। यहीं से समझ में आ रहा था कि इंडिया का होल्ड इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कम होते जा रहा है, और किसका होल्ड बढ़ जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स का होल्ड बढ़ते जा रहा है। तो वो बैंकर्स जो पहले इन सारे ट्रेड को क्या करते थे, फाइनेंस करते थे, उनका पैसा पूरा क्या हो गया, सूख गया। वो धीरे धीरे बैंकरप्ट होने लग गए। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं। क्लियर है? पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी शुरू शुरू में ये जर्नी आसान नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वहां से यहाँ के जो मर्चेंट्स थे, ये इंग्लैंड में लेटर्स लिखते थे क्या, कि हमारे पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, और क्योंकि हमारे पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? और क्योंकि हमारे जो वीवर्स थे, इनके जो क्लॉथ था उसका डिमांड बहुत हाई था। इंग्लैंड वालों को भी चाहिए था, फ्रेंच को भी चाहिए था, डच को भी चाहिए था, पोर्टुगीज को भी चाहिए था, इंडिया के लोकल ट्रेडर्स को भी चाहिए था। तो इनका बार्गेनिंग पावर क्या होता था, बहुत हाई होता था। तो जो इनको सबसे ज्यादा पेमेंट देता था वो उसको क्या करते थे, मटेरियल दे देते थे। आ रही है बात समझ में? और यही रीजन था कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को रॉ मटेरियल मिलने की बहुत सारी परेशानी हो रही थी। इस परेशानी का इन्होंने सॉल्यूशन कैसे निकाला, एडवांसेस किस फॉर्म में निकाला, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने इंडियन वीवर्स को क्या कर दिया, एडवांसेस देना स्टार्ट कर दिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब अगर इन्होंने किसी ट्रेडर से क्या कर लिए, एडवांस ले लिए, तो ये अब अपना गुड किसी और दूसरे को बेच नहीं सकते थे, उनको उसी को बेचना होगा जिससे इन्होंने एडवांसेस लिए थे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने क्या करा था, एक पेड सर्वेंट जिसका नाम था क्या, गोमास्ता। तो ये गोमास्ता एक ऐसा पेड सर्वेंट था जो क्या करता था, पूरे टाइम वीवर्स को क्या करता था, सप्लाईज उनको सुपरवाइज करता था, उनसे सप्लाईज कलेक्ट करता था, और उनके क्लॉथ की क्वालिटी को क्या करता था, एग्जामिन करता था। ठीक है? तो सबसे पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था सप्लाई लेने में, लेकिन उन्होंने जब से क्या कर दिए, एडवांसेस देना स्टार्ट कर दिए और गुमास्ता अकाउंट करना स्टार्ट कर दिए, तो अब वीवर्स किसी और बंदे को क्लॉथ बेच ही नहीं सकते थे। आ रही बात समझ में? बट शुरू शुरू में ये अच्छा चला, बाद में वीवर्स और गुमास्ता के बीच में क्या होने लग गए, क्लैशेस होने लग गए। अर्लियर वीवर्स जो थे वो सप्लाई मर्चेंट्स के साथ डील करते थे, जो इनके गांव के ही पहचान के लोग होते थे, तो उनसे इनके रिलेशंस क्या थे, अच्छे थे। गुमास्तास जो थे वो आउटसाइडर्स थे, और क्योंकि गुमास्तास आउटसाइडर्स थे, तो इनके वीवर्स के साथ कोई लिंक्स नहीं थे, इसलिए ये वीवर्स से बहुत स्ट्रिक्टली डील करते थे, क्वालिटी भी अच्छे से चेक करते थे। अगर सप्लाई लेट हो जाता था तो इनको क्या करते थे, पनिश भी करते थे, और एडवांसेस की वजह से इनको कंपनी से जो प्राइस मिलता था वो प्राइस दिन पे दिन क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे वीवर्स तो क्या हो गए, भाग गए अपनी वीविंग मशीन छोड़ के और अपने वीविंग सेंटर्स कहीं और एस्टेब्लिश कर लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, इंडियन वीवर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, देखो सुनो। हमारा एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गया था, क्योंकि वो ब्रिटिश यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने ले लिया था, क्योंकि वहां से हमारे यहाँ मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, तो वो हमारे गुड्स से सस्ते थे, तो हमारा लोकल मार्केट भी क्या हो गया था, कम हो गया था। आई बात समझ में?
1816 में वीवर्स को एक नई प्रॉब्लम आई, अब उनको रॉ कॉटन नहीं मिल रहा था अच्छी क्वालिटी का. क्यों? क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर हो गया था, तो इंग्लैंड जो है वो क्या नहीं कर रहे थे, अमेरिका से कॉटन नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने किसको देखा, इंडिया को. तो हमारे यहाँ जितना भी अच्छा क्वालिटी था कॉटन का वो कहाँ जा रहा था, यूरोप जा रहा था या ब्रिटेन जा रहा था, तो हमारे लोकल वीवर्स को हमारा नहीं मिल रहा था. और तीसरी प्रॉब्लम, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी क्या करा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी थी, जिससे मार्केट में क्या आ गए थे, बहुत सारे मशीन मेड गुड्स आ गए थे. और इसलिए अब वीवर्स को इंडिया की फैक्ट्रीज के साथ भी क्या करना पड़ रहा था, कॉम्पीट करना पड़ रहा था. ठीक है, हमारे यहाँ के अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया हमारे ट्रेड को ग्रो करवाने में. तो पहली चीज है, 18th सेंचुरी में हमारे यहाँ के जो ब्रिटिश थे वो इंडिया से क्या कर रहे थे, चाइना ओपियम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इन रिटर्न क्या कर रहे थे, चाइना से टी ले रहे थे. आई बात समझ में? और हमारे यहाँ के बहुत इंडस्ट्रीज इनके इस वाले बिजनेस में जूनियर प्लेयर्स बन गए, जो क्या करते थे, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, सप्लाई प्रोक्योर करते थे, कंसाइनमेंट्स की शिपिंग वगैरह कर देते थे. ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, तो हमने कहा सबसे पहले थे द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके क्या करा था, बहुत पैसा बनाया था, और हमारे यहाँ पर 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या करी थी, इस्टेब्लिश करी थी. बॉम्बे में कौन था, दिनशॉ पेटेट, जमशेद जी टाटा, जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाए थे. ठीक है, सेठ हुकुमचंद थे कहां पर, कैलकटा में, जिन्होंने यहाँ पर क्या करी थी, पहली जूट मिल एस्टेब्लिश करी थी. तो हमारे यहाँ जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने चाइना से ट्रेड करके, मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका से, बर्मा से ट्रेड करके बहुत सारा पैसा कमाया था. आई बात समझ में? और कुछ लोगों ने ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने में क्या करा था, हेल्प किया था. कुछ लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने में हेल्प किया था, उनको क्या करे थे, फाइनेंस दिया था, गुड सप्लाई करे थे, फंड्स ट्रांसफर करते थे एक सिटी से दूसरी सिटी, बैंक्स ओपन करी थी, इसमें भी क्या हुआ था, इन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया. ठीक है, 1 मार्कर के हिसाब से या 2 मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जॉगर कौन था. तो हमने कहा जॉगर बेसिकली क्या होते थे, उसी इंडस्ट्री के एक पेड वर्कर होते थे, पुराने ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर्स, जो क्या करते थे, विलेज से बंदों को शहर लेकर आते थे जॉब्स का प्रॉमिस करके, उनको सिटी में सेटल होने में क्या करते थे, हेल्प करते थे, उनको जॉब्स देते थे. आ रही बात समझ में? बाद में जब जॉबर बहुत अच्छी पोजीशन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई, तो इन्होंने क्या करने लग गया था, जॉब दिलवाने के लिए रूरल एरिया से ब्राइब्स देना स्टार्ट कर दी थी. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों बढ़ गया, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या था इंडियन इंडस्ट्रीज पे. तो हम लोग कहते हैं कि जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं आया था, तब तक इंडिया में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ क्या था, बहुत स्लो था. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने पर जितनी भी ब्रिटिश की मिल्स थी वो क्या करती, वॉर रिलेटेड प्रोडक्शन करी थी, ताकि आर्मी की नीड्स फुलफिल हो जाए, जिस वजह से वो हमारे यहाँ कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे. तो क्योंकि मैनचेस्टर से हमने इम्पोर्ट करना क्या कर दिया था, कम कर दिया था, तो जो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको डोमेस्टिक मार्केट में अपना कपड़ा बेचने का चांस मिल गया था. तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्रीज के पास क्या था, एक बहुत वास्ट होम मार्केट था सप्लाई करने के लिए. ठीक है, जैसे वैसे वॉर लंबा चला, तो वॉर में जिन चीजों की जरूरत थी, वॉर में जिन चीजों की जरूरत थी, उन चीजों का रिक्वायरमेंट भी कहां से आने लग गया, इंडिया से सप्लाई होने लग गया. डिमांड इतनी ज्यादा थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी नई फैक्ट्रीज सेटअप हुई, और जो पुरानी फैक्ट्रीज थी वो मल्टीपल शिफ्ट में चलने लग गई. तो जितना टाइम वॉर चला उतना टाइम क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो गई, बहुत बूम हो गई. इवन आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर जो था वो फिर से अपना वैसा मार्केट रीगेन नहीं कर पाया इंडिया में, क्योंकि तब तक इंडियन इंडस्ट्रीज अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग जमा चुकी थी. ठीक है, लेकिन ये सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आने के बाद भी इंडिया में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन आज तक चलता रहा.
जो छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट पीपल थे उन्होंने छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज क्या कर दी, अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी, जैसे लूम्स यूज करने लग गए थे फ्लाइंग शटल के साथ। तो इससे क्या हुआ, लेबर डिमांड कम हो गई और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, है ना। लास्ट इन्होंने हमारे यहाँ, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने अपना बिजनेस क्या करा, एक्सपांड करने की कोशिश करी, ठीक है ना, तो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करी, है ना। जब मैनचेस्टर के इंडस्ट्रीज इंडिया में कुछ बेचते थे तो वो क्या लगाते थे, मेड इन मैनचेस्टर, ताकि उनको लगे क्या है, अच्छी क्वालिटी की चीज है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, भगवान गॉड और गॉडेसेस की भी क्या करते थे, इमेज लगाते थे, ठीक है ना, और कैलेंडर्स प्रिंट होने लग गए थे घरों में, ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जैसे कि एम्परर्स और नवाब, इन सबके भी क्या लगने लग गए थे, फोटोज लगने लग गए थे, जिससे क्या हुआ, इनके गुड्स अच्छे से एडवर्टाइज होने लग गए थे। इज दैट क्लियर? सुनो, फ्लाइंग शटल किसने बनाया था, जॉन के ने बनाया था। स्पिनिंग मिल किसने बनाई थी, रिचर्ड ऑकराइट ने। स्पिनिंग जेनी किसने बनाई थी, जेम्स हर्ग्यूज ने। और स्टीम इंजन ने बनाया किसने था, न्यूकोमेन ने बनाया था। और इसको मॉडर्नाइज किसने किया था, जेम्स वॉट ने किया था, ठीक है, है ना। जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो अमीर लोग थे, वो मशीन मेड गुड्स क्यों नहीं प्रेफर करते थे, क्योंकि जो हैंडमेड गुड्स होते थे वो क्या दिखाते थे, क्लास और रिफाइनमेंट दिखाते थे, ठीक है ना। वो इंडिविजुअली प्रोड्यूस होते थे, उसमें इंट्रिकेट डिजाइंस होती थी, आई बात समझ में। और हर जो गुड बनता था वो पुराने वाले से क्या होता था, अलग होता था। वूल को सॉर्ट करता था उसके फाइबर के हिसाब से। रिचर्ड ऑकराइट ने पहला कॉटन मिल सेटअप किया था कहां पर, इंग्लैंड में। कॉटन मिल आने से क्या हुआ था, सारी चीजें अंडर वन रूफ हो गई थी, जिससे सुपरविजन क्या हो गया था, बहुत आसान हो गया था, क्वालिटी चेक करना बहुत आसान हो गया था, और अननेसेसरी जो मूवमेंट्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह पर चीज ले जाने के, वो सारे मूवमेंट्स भी क्या हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, ठीक है। हमारे यहाँ पहला कॉटन मिल कब सेटअप हुआ था, 1854 में, कहाँ, मुंबई में। डॉन ऑफ द सेंचुरी पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डॉन ऑफ द सेंचुरी के म्यूजिक बुक पे, ठीक है ना, एक पिक्चर छपा हुआ है कवर पेज पे जिसका नाम है क्या, डॉन ऑफ द सेंचुरी। किसने बनाया, पब्लिश किया था इसकी, ईटी पॉल ने, जिसमें क्या दिखाया गया है, एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस है ना, जो विंग से आ रही है, और ये जो है हमको फ्यूचर की तरफ ले जा रही है कि फ्यूचर में फैक्ट्रीज और मशीन्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। With this chapter is over.